प्रॉब्लम कर लेते हम लोग, कौन कौन नहीं आया क्लास में, पता नहीं क्या कर रहे। इंद्र और कृष्णा आदित्य भी तो नहीं आया है, आया आ गया। चलो तो एक प्रॉब्लम कर लेते, म्यूट कर लो। प्रॉब्लम कहता है हमसे, 12 ग्राम ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री से। व्हेन इवापोरेटेड टू ड्राइनेस, सूखने तक उसको इवापोरेट किया जाता है। लीफ क्या छोड़ देता है, लीफ और सॉलिड रेसिड्यू, सॉलिड कुछ छोड़ देता है। लीव्स सॉलिड रेसिड्यू ऑफ 3 ग्राम, ऑफ 3 ग्राम, 3 ग्राम का सॉलिड रेसिड्यू छोड़ता है। कैलकुलेट कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, KCl। पोटेशियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी पूछ रहा है, जरा प्रॉब्लम को समझ लीजिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। 12 ग्राम हमने सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है पोटेशियम क्लोराइड का, मतलब KCl प्लस वाटर, ठीक है। अरे बताओ कितना है, 12 ग्राम है टोटल, ठीक। यस अब जब 20 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस, अब ये इवोपरेशन चालू हुआ इसका, ड्राई हो गया इवोपरेट होके, और सॉलिड रेसिड्यू बचता है कितना, 3 ग्राम, 3 ग्राम का रेसिड्यू बचता है जो कि रिमेनिंग होता है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी बतानी है हमको, क्या बतानी है, सॉलिबिलिटी बतानी है। सॉल्युबिलिटी अब ये बताओ कि जो बचा होगा वो KCl ही तो होगा, ये, मिस्टर अरे पानी और ये सॉल्ट होता है, KCl सॉल्ट है, ये दोनों मिला के 12 ग्राम है, तो KCl का कितना होगा वजन, KCl का 3 ग्राम बच रहा है, तो पानी कितना होगा उसमें, 12 माइनस 3 9 ग्राम। 9 ग्राम होगा कि नहीं होगा। यस सर। अरे इवापोरेशन में पानी तो निकलेगा, KCl थोड़ी निकल जाएगा, बताओ मेरे को। यस सर। अरे कपड़ा सुखाते हो तो कपड़ा सूखता है ना, कि कपड़ा भी चला जाता है धूप के साथ, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो सॉल्ट बच जाएगा, बाकी सब निकल जाएगा, तो सॉल्ट बच कितना रहा है, 3 ग्राम, रेसिड्यू देखो 3 ग्राम, तो बाकी पानी था 9 ग्राम, पानी कितना था, नाइन नौ केजी 9 ग्राम। 9 ग्राम था। अब 9 ग्राम जो वाटर है उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट था, अरे क्या सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, ये है, केसीएल और ये क्या सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट, सॉल्यूबल, सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूबल सॉल्वेंट सॉल्वेंट, अब ये दोनों मिला के नाम। सॉल्यूशन है, ठीक। अब ये जो बताओ मेरे को, 9 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट है, 3 ग्राम, ठीक है। थ्री तो 100 ग्राम में कितना होगा, वही सॉल्युबिलिटी होता है, खत्म। अपॉन 12 इंटू 100। 3/9, भैया क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन ले रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं हम, सॉल्वेंट में कितना, सॉल्वेंट में कितना, नाइन सॉल्युबिलिटी अलग चीज है भाई, कंसंट्रेशन नहीं निकालना है तुम्हें यहाँ पे, नहीं समझ में आया नो सर। क्या, नहीं समझ में आया, सॉल्युबिलिटी में हम क्या करते हैं, पर 100 ग्राम, पर 100, म्यूट करो ना, किसका है ये,
पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना तुम्हारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट दैट इज द सॉल्युबिलिटी, दैट इज द सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम. सॉल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्यूट, या मास ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट द सॉल्यूशन. ये बात ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी में सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट आएगा. नहीं समझ में आया? तो सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमको. सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 3/9 इंटू 100, खत्म. अरे तीन, अच्छा ये बताओ सॉल्वेंट 9 ग्राम में कितना था, 3 ग्राम था, तो 100 ग्राम में कितना होगा, बात खत्म. कर लोगे ना हर्ष? यस सर. सिंपल है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ सॉल्वेंट लेना है डिनोमिनेटर में, सॉल्वेंट लेना है, सॉल्यूशन मत ले लेना नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा. सॉल्यूशन लेना है कॉन्सेंट्रेशन निकालने में, ठीक है? यस सर. सॉल्यूशन लेना है कॉन्सेंट्रेशन निकालने में, सॉल्युबिलिटी नहीं. तो ये कितना हो जाएगा, 3/9 तो मतलब कंसंट्रेशन निकालने में सॉल्यूशन का रखते, और मतलब सॉल्युबिलिटी निकालने में वो रखते सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास नीचे. ओके, तो 33.3 आएगा ये, खत्म. ठीक है, सॉरी 33.3 ग्राम ग्राम. तो 100 ग्राम में इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 33.3 ग्राम. बात समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं. आदित्य बस, तो 100 ग्राम में कितना होगा, बस ये 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं, लिख लो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट चाहिए, वो सॉल्युबिलिटी बताता है. ठीक है? यस सर. अब इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मैंने बताया था हेनरी लॉ, मैंने बता दिया था. चलो प्रेशर का रिलेशन मैंने गैस के लिए बता दिया था ना. हाँ, कि मतलब वो टेम्परेचर राइज हो जाए तो वो उसका एक सॉल्युबिलिटी कम होती. हाँ बता दिया था. ठीक है, यस सर. आगे हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. ठीक है सर, हेनरी लॉ क्या होता है? वही हेनरी ने ये बताया था, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस की लिक्विड के अंदर. ठीक है, नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया. नो सर. अच्छा, सारी चीजें हम बताएंगे फिर से, लेकिन अभी टेस्ट है तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर लो. हेनरी लॉ कहता है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे बात करता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द मास, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व बाय फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to pressure on the surface of liquid, pressure on the surface of liquid. मतलब अगर हम पानी के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, सरफेस पर प्रेशर बढ़ाएं, तो जो गैस है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, जो भी गैस डिजॉल्व होगी या जो भी सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, उसका चांसेस बढ़ जाते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. बात समझ में आ रही है?
प्रेशर दे दिया तो और अंदर जल्दी तेजी से जाएंगे और ज्यादा डिजोल्व होंगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. एट अ गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ द गैस डिजोल्व बाय द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. मतलब देखो ना, सॉल्वेंट में क्या गैस, तो वही तो सॉल्युबिलिटी होता है, वही तो होता है ना सॉल्युबिलिटी. सर आप तो इतना बता दीजिए, मतलब जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती. अभी ये प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, और मतलब प्रेशर टेम्परेचर में अलग होगा ना. हाँ अच्छा, बस हेनरी लॉ में केवल प्रेशर की बात करता है, केवल प्रेशर की. देख नहीं रहे हो टेम्परेचर फिक्स है एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा है. At a given temperature, the mass of the gas dissolved by the fixed volume of liquid, मतलब कि क्या solubility, यही तो मतलब होता है solubility, mass of gas per upon में 100 gram of liquid, fixed का मतलब 100 gram लिख दो यहाँ पे, fixed volume है, ठीक है, तो is directly proportional to the pressure on the surface of the liquid, मतलब कितना pressure लगा रहे वो directly बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, कम करोगे तो कम होगा, ठीक है. Yes, sir. हेनरी लॉ इम्पोर्टेंट है, आ सकता है. आगे बात करें हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की. क्रिस्टल होता है क्या, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जरा समझ लीजिए. पहली बात है क्रिस्टल क्या होता है. अच्छा, टेम्परेचर का पता है ना आप लोगों को, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगा, ठीक है, गैस में समझे. yes, sir. अरे गर्म पानी और ठंडा पानी वाला बताया नहीं था, मछली मर जाती है जो. हाँ सर, बताया था सर. ध्यान रखा करो ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड बहुत अंतर होता है. क्रिस्टल्स क्या होता है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ोगे उतने में बहुत अच्छे नंबर पा जाओगे, बहुत हौच-पौच करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम बता दे रहे हैं जो आ सकता है. क्रिस्टल क्या होता है, इट इज अ, बस समझ लो, लिख लोगे अपने मन से भी तो क्या ऑब्जेक्टिव आएगा कि लिखने वाला भी है. इट इज अ होमोजीनियस सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड होता है होमोजीनियस, ऑफ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप और डेफिनिट, और ऑफ डेफिनिट शेप, ठीक है, ये होता है क्रिस्टल, ठीक है, जिसमें शार्प एजेस होते हैं, ठीक है. इट हैज अरेंज्ड सरफेस, अरेंज्ड सिमेट्री एंड शार्प, मतलब नोखीला एज होता है, एकदम शार्प एज. अरे देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे क्रिस्टल्स टाइप के, आप पेपर वेट देखा होगा ऐसे शेप का, ठीक है, तो जिसमें मतलब कि काफी नोखीले एजेस होते हैं. अरे देखा है नहीं देखा है सर, क्या पेपर वेट नहीं देखे, जेम स्टोन्स देखे हो क्या, जो पत्थर होते हैं अंगूठी जिसे बनते हैं. यस सर, देखे हैं. तो उन लोग का क्रिस्टल जो शेप होता है वो बहुत एक डेफिनेट शेप होता है, फिक्स शेप होता है, बदलता नहीं रहता है, और उनके जो एजेस होते हैं, एजेस मतलब कोने, वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, तो जो क्रिस्टल्स का ये मतलब होता है, ठीक है, सॉलिड होते हैं और ये सारी चीजें. अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, इट इज अ प्रोसेस बाय विच
by which crystals of a substance are obtained by cooling a hot saturated solution. और सिंपल है यार भाषा में एकदम, ठंडा कर दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो क्या होगा, जिससे क्रिस्टल्स मिलते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बताओ, अरे बोलो हाँ ना मैं। यस सर। अब जैसे कुछ शेप होते हैं, जैसे NaCl है, इसका क्यूबिक होता है, कैसा होता है, क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, क्यूबिक, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका होता है रोम्बोहेड्रल, अलग अलग शेप होते हैं जिनका नाम होता है रोम्बो, एक रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ऐसे ही FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, उसका होता है ऑक्टाहेड्रल। ये सब क्रिस्टल्स के शेप है, ऑक्टाहेड्रल, बात समझ में आ रही है। तो इनका ऐसा करके शेप होता है, NaCl का क्यूबिक होता है, ठीक है, और CuSO कॉपर सल्फेट का रोम्बोहेड्रल, इसका ऑक्टाहेड्रल, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, चलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, समझ लिए। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम लोग, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे उसको, तो क्या होता है, उससे क्रिस्टल्स बनते हैं उसको, अलग अलग शेप के, जैसे कि रोम्बोहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल था, क्यूबिक था, तो उसको क्रिस्टल्स कहते हैं और क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जरा देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा, इसमें क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है किसी क्रिस्टल के साथ जाके। जैसे हमने अभी पढ़ा था FeSO4, इसके क्रिस्टल के साथ जाके मिल गया क्या, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, मान लो 6 वाटर के क्रिस्टल मिल गए, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। बात समझ में आ रही है? नो सर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं आया। अरे यार ध्यान से सुनो ना, पहले तुरंत उस पे पहुंच जाते हो, नहीं आया। हमने क्रिस्टल्स बनाए थे इसके, एग्जांपल FeSO4 के, NaCl के, CuSO4 के। अब जब ये क्रिस्टल बन रहे थे तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स H2O, कुछ एक या दो या तीन या दस या बीस या पच्चीस उसके साथ मिल गए, एसोसिएट हो गए, तो उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके सर, आ गया। तो, ओके सर, आ गया। अब एक दूसरे का सुन के मत बोलो, नहीं आया तो पूछो फिर से। नहीं है सर, आ गया। द फिक्स्ड अमाउंट, बहुत सिंपल चीजें हैं, ऑफ वाटर, बस आपको दिमाग में बनाना है, रटने से नहीं होगा। डेट इज एसोसिएटेड, मतलब मिल जाता है उसके साथ, एसोसिएटेड विथ क्रिस्टल्स which is an integral part, उसका एक part बन जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है, integral part, उसका एक हिस्सा बन जाता है वो, of the crystal, of the crystal or crystallization, जो भी मेथड चल रहा था उसका एक हिस्सा बन जाता है वो, क्रिस्टलाइजेशन का, इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हर समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ जी आदित्य। यस सर। आपका भी तो टेस्ट है ना? यस सर। तो वाटर ऑफ किसका किसका टेस्ट है, ये कृष्णा का नहीं है क्या सर? मेरा, हर्ष का, एंजल का। मेरा भी नहीं है सर, बाद में है। अच्छा, एंजल का।
यस सर, हम तीन लोग का है सर। चलो ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है क्रिस्टलाइजेशन के समय पे, किसके साथ? उस क्रिस्टल के साथ, और बना देता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल FeSO4 फेरोसल्फेट डॉट 7H2O, सात वाटर के मिल के क्रिस्ट, सेवन वाटर इसके साथ मिल गया, इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन कलर का होता है ये, ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल, ठीक। एक ऐसे ही कॉपर सल्फेट FeCuSO4, CuSO4.5H2, पांच वाटर मिलते हैं उसके साथ, ठीक है। अब क्यों पांच मिलते हैं ये बात अलग है, ये कोई इसका कोई वजह नहीं है, ठीक है। पांच ही मिलते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, इसको कहते हैं ब्लू कलर का होता है, इसको कहते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल। ऐसे ही ZnSO4.7H2O, ये होता है किसे? ये होता है आपका व्हाइट कलर का, इसको कहते हैं व्हाइट विट्रियोल, ठीक है। ऐसे ही Na2CO3.10H2O, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सही नहीं, याद करना पड़ेगा। तो और क्या हो करना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसके साथ साथ MgSO4 पूछता, और याद ही तो करना पड़ेगा, पूछ लेगा तो क्या करोगे, कैसे? इसका कोई ट्रिक थोड़ी है। MgSO4.7H2O, Mg मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, ये होता है आपका एप्सम सॉल्ट, ठीक है। Na2SO4.10H2O, इसको कहते हैं हम लोग ग्लोबर सॉल्ट, ठीक है। इतने तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है भाई? यस सर। यस सर। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं फ्लोरोसेंस क्या होता है। फ्लोरोसेंस, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर ये समझ में आ गया है तो वो समझ में आ जाएगा, तीन चीजें समझनी है बस, चैप्टर खत्म। एफ्लोरोसेंस, डेलिक्वेसेंस और हाइग्रोस्कोपी। देखो एफ्लोरोसेंस, एफ्लोरोसेंस एक प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। एफ्लोरोसेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी सब्सटेंस की, कि जब हम उसको क्या रखें एटमॉस्फेयर में, जब एटमॉस्फेयर में, एक ड्राई एटमॉस्फेयर में रखें, एक सूखे एटमॉस्फेयर में रखें, तो वो अपने अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका क्या कर देता है? लॉस कर देता है। क्या कर देता है? लॉस। वाटर ऑफ क्रिस्टल्स जो है, वाटर के क्रिस्टलाइजेशन जो है, देखो जैसे यहाँ पे सात है, उसको पूरा या पार्शियली, या तो पूरे सातों के साथ हो या तो उससे कम, वो क्या कर देता है? लूज कर देता है एटमॉस्फेयर में। बात समझ में आ रही है? यस सर। एफ्लोरोसेंस एक, मान लो एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट को हमने उठाया इसे रख दिया, बाहर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्राई है, सूखा है, ठीक है, बिल्कुल सूखा एटमॉस्फेयर है, ड्राई एटमॉस्फेयर है, इसमें हमने रखा है एप्सम सॉल्ट। अब क्या होगा कि ये जो 7H2O थे इसके, इनको लूज करना चालू करेगा, इनको ये छोड़ना चालू करेगा। हो सकता है एक ही निकले, हो सकता है दो निकले, हो सकता है तीन निकले, हो सकता है कि सात के सातों निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो MgSO4.7H2 को तो केवल ये बच जाएगा, या तो इसमें से कुछ बच जाएंगे वाटर भी, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एफ्लोरोसेंस। बात समझ में आ रही है? यस सर। वाटर मॉलिक्यूल, हाँ, लूजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो और क्या, इन द ड्राई एटमोस्फियर। बस अब एटमॉस्फेयर में पहले ही से पानी है, तो कहां से पानी लेगा? नहीं समझ में आया? आ गया सर। यस सर। लिख सकते हो खुद से? यस सर। खुद से लिख सकते हो ना? यस सर। इसमें अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा तो इसका रेट क्या हो जाएगा, कम की ज्यादा? ज्यादा। अरे गधे, क्या कर, क्या सोच रहे हैं? हम बोले ड्राई होना चाहिए, तो ह्यूमिड का मतलब क्या है? मॉइस्चर है, गीला, गीला है,
तो कैसे होगा? नहीं होगा ना, पहले ही से पानी है और ये पानी कह रहा है मैं लूज करूंगा, तो बाहर का पानी कैसे, जब लूज तभी करेगा ना जब ये लेगा, अभी जब लेने के लिए तैयार नहीं है। इवेपोरेशन में पड़ा था ना, इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन जैसा था वैसे ही ये भी है। वो अभी वाटर का क्या होता है, लॉस होता है, वाटर वेपर में जाता है, ये अपनी अपना वाटर लॉस करता है। तो एफ्लोरोसेंस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अभी? यस सर। अब डेली क्वेश्चंस क्या होता है, अब हम अगला करते हैं। डेली क्वेश्चंस लिख लेंगे अपने से कॉपी में, अगर मैं लिख नहीं रहा हूं तो लिख लेंगे अपने से, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में जैसे भी है लिख लो, कि द सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ड्राई एटमॉस्फेयर दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके, कंप्लीटली और पार्शियली, कंप्लीटली और पार्शियली। अरे बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। देखो मजाक मत करना, नहीं तो पता चलेगा टेस्ट में तुम लोग ऐसे ही करके आ गए। लिखना है लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इधर से आ सकता है क्वेश्चन। चलो अगला बताते हैं हम। एफ्लोरोसेंस हो गया, डेलिक्वेसेंस, डेलिक्वेसेंस है और क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक है, बस एक ही जैसे है दोनों, थोड़ा सा अंतर है बस। तो डेली क्वेसेंस, डेली क्वेसेंस, डेली क्वेसेंस क्या होता है, कुछ ये डेली क्वेसेंस वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर में डिजॉल्व होते हैं। किसमें? वाटर में, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। पहली बात तो ये दे आर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ओके। अब जब इनको हम एक्सपोज, व्हेन एक्सपोज्ड टू, व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में हम इसको रखेंगे, एक्सपोज्ड मतलब रखते हैं, ठीक है, व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी मतलब रूम टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, क्या करता है ये, एब्जॉर्ब करता है भाई साहब, उसका उल्टा, वो एफ्लोरेसेंस में लूज करता था, एब्जॉर्ब दिस, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ओके, मतलब जी ह्यूमिड क्लाइमेट में रखा जाएगा। हाँ, वो वाटर को, बाहर का जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या करता था अपने के वाटर को लूज करता था, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करके पानी, जो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया उसी में डिजॉल्व भी हो जाता है, एंड डिजॉल्व इन इट, उसी में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्युबल है तो उसी में सॉल्युबल है, डिजॉल्व हो जाएगा जो कि पानी एब्जॉर्ब किया ये। सर इसके लिए जो कंपाउंड, मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर, वो ड्राई होना चाहिए क्या? मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा वाटर डेलिक्वेसेंस में, हाँ, तो वो ड्राई होना चाहिए। क्या वो ड्राई होना चाहिए? जो एब्जॉर्ब करेगा वाटर। अरे वाटर कहाँ से ड्राई होगा भाई साहब? नहीं सर, मतलब जो कंपाउंड, वो तो खुद तो ड्राई होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर उसके पास पहले से ये, तो क्यों एब्जॉर्ब करेगा भाई? तुम्हारा पेट पहले से भरे हो, तुम क्यों लोगे? हैं? एग्जांपल होगा डेली क्वेसेंट के, NaOH, NaOH, KOH, MgCl2, ZnCl2, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारे डेली क्वेसेंट हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब अगला है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंस में बहुत बारीक सा अंतर है बेटा। हाइग्रोस्कोपिक जो होते हैं वो एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं होते हैं उसमें। नहीं समझ में आया?
दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फियर बट डू नॉट डिजॉल्व इन इट. उसके अंदर ये डेलिक्वेशंस क्या हो जाते थे, डिजॉल्व हो जाते थे. देखो उसी के अंदर डिजॉल्व घुल जाते थे, उसी के अंदर अपने आप को घोल देते थे. लेकिन हाइग्रोस्कोपिक क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा. एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन डिजॉल्व उसके अंदर नहीं होगा. एग्जाम्पल इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और CaO एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है? यस सर. यस सर. बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है. तीनों में एफ्लोरोसेंस क्या था, एफ्लोरोसेंस में वो लूज करता था वाटर को कंप्लीटली यार पार्शियली, मतलब पूरी तरीके से या कुछ को वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता था इन ड्राई एटमॉस्फेयर. लेकिन हाइग्रोस्कोपिक में डेलिक्वेशंस में क्या था, डेलिक्वेशंस में आपका एब्जॉर्ब करता था उसी में डिजॉल्व हो जाता था. एग्जाम्पल आप लोग इंपॉर्टेंट है. और हाइग्रोस्कोपिक में क्या है कि एब्जॉर्ब करता है और उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता है. ठीक है? यस सर. अब वाटर पॉल्यूशन तो पढ़ लोगे अपने आप यार. सर ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. ड्राइंग एजेंट दूसरे का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नहीं समझे? ड्राइंग एजेंट सूखा कर देते हैं. ड्राई आप लोग का आप कपड़ा भेजते हो ना अपने लॉन्ड्री में, मतलब कि वहां पे ड्रायर में करवाते हो कि नहीं करवाते हो ड्राई वॉश? यस सर. यस सर. तो उसमें ड्राइंग एजेंट यूज होते हैं. चलो देख लो ड्राइंग एजेंट क्या होता है. ड्राइंग एजेंट में क्या होगा, ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब, सब एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, थोड़ा थोड़ा अंतर है. ड्राइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस, डैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस. ये क्या करता है, एटमोस्फियर से नहीं, अदर सब्सटेंस से करता है. बात समझ में आ रही है? अरे बताओ. अरे ये दूसरे सब्सटेंस से, आपके कपड़े में पानी है उससे एब्जॉर्ब कर लेगा, एटमोस्फियर से नहीं, दूसरे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करता है विदाउट केमिकल रिएक्शन के, विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद देम. कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराना पड़ता है, वो क्या कर लेता है तुरंत उसको दूसरे सब्सटेंस से. यही इंपॉर्टेंट है इधर कि दूसरे सब्सटेंस से, एटमॉस्फेयर से नहीं, दूसरे सब्सटेंस से वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. एग्जांपल इसका एनहाइड्रस पानी निकाला हुआ, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है उसमें, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. ठीक है? अगला होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं भाई, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, आर सब्सटेंसेस, आर सब्सटेंसेस That can remove
even the chemically combined water combined water molecules from compounds. मतलब ये कंपाउंड के अंदर जो पानी है ना उसको भी ये निकाल देता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है. ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, दे आर लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन ड्राइंग एजेंट. ड्राइंग एजेंट जो केमिकली रिएक्ट किए बिना दूसरे सब्सटेंस से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन डिहाइड्रेटिंग एक कंपाउंड में से जो पानी है उसी को निकाल देता है. बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का. इज इट ओके सर? डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक बार फिर से बता दीजिए. डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो केमिकली पानी प्रेजेंट है उसके अंदर, मॉइस्चर का मतलब सरफेस पे होता है केमिकल, और अंदर है पानी, वो मतलब वाटर से रिएक्ट करके कुछ, मतलब वाटर उसके अंदर केमिकली कंपाउंड के अंदर है उसको वो निकाल सकता है. ठीक है, डिहाइड्रेटिंग स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग होता है. केमिकली रिएक्ट करके कंपाउंड से निकालते, केमिकली रिएक्ट करके जो केमिकली कंबाइंड वाटर है पहले से, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, वो रिएक्शन के थ्रू वाटर अंदर एड हुआ था उसको निकाल देता है वो कंपाउंड में से. ठीक है? यस सर. सर हाँ बताओ ना सर, आप एक बार रिकॉर्डिंग भेज देंगे? अब देखते हैं, अभी फिर हमारी मतलब क्लास है, एक और दोपहर की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मतलब ने...